आलू कहाँ जा रहा है, आलू के क्या रेट हैं, ये हर किसानों की मूलभूत जिज्ञासा रहती है कि आलू का भाव क्या है आज और आलू का निर्यात क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन में अब जो है आलू के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये किसानों के लिए सुखद भरी और अहम खबर है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बस एक निवेदन करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज क्या रहे भाव और आलू किस देश में जा रहा है, क्योंकि जैसा हमें बताया गया था, व्यापारी ने बताया था ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और ये किस रास्ते से जा रहा है ये भी पूछेंगे, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान जो है आप व्यापारी खुद करेंगे, कितना ट्रांसपोर्ट का करता है, कितना बेटी कटती है, कितना उधर दूसरे देशों से पेमेंट मिलता है, उसके बाद में ये करते हैं। रहिए हमारे साथ, लाइक करें, शुरू करते हैं वीडियो। अब हम मौजूद हैं ट्रक में और ये ट्रक जो है यहाँ से विशाखापट्टनम के लिए जा रहा है और वहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए आलू जो है निर्यात किया जाएगा, लेकिन निर्यात जो है हमारे ये लोकल व्यापारी नहीं करते, इनका काम सिर्फ ये होता है यहाँ से आलू ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, वहाँ निर्यातकों को देना, वहाँ निर्यातक तय करते हैं कि आलू को क्वालिटी को देखकर उसके बाद में इन्हें पेमेंट दे देते हैं। ये जो व्यापारी स्थानीय व्यापारी होते हैं वो डबल स्तर के होते हैं, उसके बाद में अपना जो भाड़ा जो भी होता है उसे कट करके किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दे देते हैं। खुद हम इस ट्रक में मौजूद हैं, क्योंकि इसमें इनसे ही पूछेंगे कितने कट्टे जा रहे हैं, क्योंकि जब हम बताते हैं कि इसमें 450 कट्टे जाते हैं या इससे बताते हैं कि जब बड़ा ट्रक हो तो उसमें 600 तक कट्टे जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो चाटुकार होते हैं केवल उन्हें वीडियो देखने से मतलब होता है, वो कमेंटबाजी ज़्यादा पास करते हैं। फिलहाल व्यापारी मौजूद हैं, इनसे ही पूछेंगे कि जो आलू है वो कहाँ जा रहा है और किस रेट में जाएगी। क्या नाम है? सतीश कुमार वर्मा नाम है मेरा भैया। कहाँ के रहेंगे? सादाबाद का रहने वाला हूँ। कितने रुपये में तय हुआ है ये लिया है मैंने? 575 रुपया। कौन से ब्रांड का आलू है? नंबर वन ब्रांड है ये, नीरू दही बगल में मेट्रो छोटा सा लगे रहो। कौन सी ब्रांड? 3797 आलू है, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी मैं लगे रहो। 575 का, 575। ये कितने पैकेट परचेस किए? 535 कट्टे लोड हो रहे हैं, 28 टन वजन। अब आप तो ये बताइए किसानों के हित में ये आलू जा कहाँ रहा है? ये गाड़ी हमारी विशाखापट्टनम जा रही है भाई। विशाखापट्टनम केरला? नहीं नहीं, तमिलनाडु। तो वहाँ से कहाँ जाएगा ये आलू? वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएगा भैया। ये कंफर्म है? पक्का कंफर्म। आप कितनी गाड़ियाँ ले जाते हैं डेली? मेरी 2-3 गाड़ी डेली जा रही है इधर से। आज जैसा कि 6 गाड़ी बता रही है, तो यहाँ मेरी 2 गाड़ी है, और लोगों की भी जा रही है। और लोगों की जा रही है 4? विशाखापट्टनम। तो वहाँ से जो कैसे पेमेंट होता है, कैसे आप किसानों को पेमेंट? ऐसा है, हमारे जो आड़ती हैं वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया लोड करते हैं और उनका जो खर्चा है उसको काट कर टैक्स वगैरह अपना काट करके जो हमको देते हैं उसमें से हम 20 रुपये अपना करके किसानों को दे देते हैं। 20 रुपये लेकर अपना जो सेस होता है, जैसे मैंने 575 का यार लिया है, मेरे पास 600 रुपये का पैसा आएगा इसका काटने के लिए। तो उसके बाद में आप फिर किसानों को पेमेंट? उसके बाद में किसान पहले अपना लाभ, उसके बाद में किसान। जी जी, जो उच्च क्वालिटी का होता है उसमें आपको रेट अच्छा मिल जाता है? रेट अच्छा मिल जाता है, फिलहाल रेट अच्छा हो गया है, 500 रुपये से 575 रुपये तक बिक रहा है। अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी। तो किसानों को क्या सलाह देना? किसानों को सलाह मैं ये दूंगा भैया, इनको बेचना चाहिए फिलहाल आलू, बेचना चाहिए। लॉकडाउन का क्या प्रभाव है? लॉकडाउन का प्रभाव भैया ये कुछ चलो चलो उम्मीद है, पहले चलो चलो 20-40 रुपया बढ़ गया है। देखिए किसान भाइयों, ये व्यापारी थे ये साफ कह रहे थे, जो भी इनका मिलता है पहले अपना लाभांश काटते हैं जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का, उसके बाद में किसानों को देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और खुशखबरी ये है कि लॉकडाउन में आलू पर जो प्रतिबंध लगा था निर्यातकों पर, क्योंकि निर्यात पर से प्रतिबंध हटा है तभी आलू के रेट जो हैं अब बढ़ना शुरू हुए हैं, नहीं तो आप देख रहे थे 450 से 550 के बीच में चल रहे थे, और जिससे कि आलू किसान जो हैं भुखमरी यानी कि उनके दिमाग में एक तरीके से नेगेटिव धर गई थी कि हमारा आलू बिकेगा या फेंकेगा। लेकिन लॉकडाउन में अब जो है आलू के रेट बढ़ना शुरू हुए हैं, जैसे किसान सोच रहे थे कि लॉकडाउन में रेट इंक्रीज होंगे, वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इतने इंक्रीज अभी हो जाएंगे इसकी संभावना अभी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आलू का जो डंप है वो ख़त्म होगा, कोल्ड स्टोरों से निकासी बढ़ेगी तो और ज़्यादा मार्केट में अंतर आएगा, तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिलहाल जो डंप की स्थिति है, डंप बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। जब बात करें पंजाब की, हरियाणा की, अगर जो गुजरात की, बिहार की या उत्तर प्रदेश की, ये मंडियों में जो डंप पड़ा हुआ था वो बाहर था, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
कुल मिला के बात यह है किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी रेट मिलने जा रहे हैं और किसानों से हम बस यही कहना चाहेंगे कि अपना आलू धीरे धीरे करके निकासी करते रहें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें। ज़्यादा के चक्कर में हो सकता है आपको घाटा उठाना पड़ जाए, हो सकता है अगर मुनाफा भी हो जाए। ये आलू है, आलू का गेम होता है, इसमें या तो हाइएस्ट हो जाते हैं या लोएस्ट हो जाते हैं। बहरहाल अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए सीधे दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आलू जो है विशाखापट्टनम के रास्ते ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। खुद व्यापारी ने आपको बताया था ये यहाँ से, ये स्थिति इस कोल्ड स्टोरेज की है सादाबाद जनपद हाथरस की। ऐसे ही अन्य कोल्ड स्टोरों से आलू जो है जैसे व्यापारी बता रहे थे वही है कि वहाँ जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है और ऑथेंटिक है, क्योंकि हम आपके साथ में कोई छल या झूठी खबर नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं बिल्कुल स्पष्ट खबर। आज जो रेट हुआ है वो 575 रुपये कट्टा का रेट हुआ है, और जो और कोल्ड स्टोर में हो रहा है उसकी कह नहीं सकते, लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भैया हम देते हैं क्वालिटी के साथ विश्वास वाली वीडियो। और अगर आपको मेहनत हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि भीषण गर्मी है दोपहर के या किसान 2 बज रहे हैं।